दोस्तों आज की कहानी है बहू सुप कर बिना मतलब दामाद जी पे आरोप मत लगा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शाम के साए सब के लिए लेकर हॉल में जया जैसे ही पहुंचती है तो देखती है कि पूरा हॉल हंसी ठहाकों से गूंज रहा था। जया के सास ससुर और बड़ी ननद नंदुई जी रिया और विकास के बीच कुछ हंसी मजाक चल रहा था। जया सबको साय का कप देते हुए जैसे ही नंदुई जी विकास को साय का कप देती है तो वो जया का हाथ पकड़ लेता है जिससे जया अचानक से डर जाती है। लेकिन फिर विकास सॉरी सॉरी बोल के बात खत्म कर देता है पर जया को ये अनजाने में हुई हरकत नहीं लगती और ये बात उसके मन में घर कर जाती है। पर जब विकास जया की तरफ बाद में देख के कुटिल तरीके से मुस्कुराता है तो जया समझ जाती है कि इसके इरादे नेक नहीं हैं। पर बिना किसी नतीजे पे पहुंचे या किसी ठोस वजह के ऐसे ही एक शक की वजह से जया नंदुई जी पे ये आरोप लगा भी तो नहीं सक थी क्योंकि नंदोई जी का इस घर पे और घर वालों पे बहुत ज्यादा भरोसा था और भरोसा हो भी क्यों ना। जया के सास ससुर ने विकास को इस घर का मालिक जो बना रखा था। छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हर फैसला हमेशा उससे पूछ के ही लिया जाता था। पर जया और उस पति राघव अच्छे से जानते थे कि विकास के इरादे सिर्फ उसके पिता के संपत्ति पे टिकी हुई थी जिसे वो रोज थोड़ा थोड़ा करके खाली करने की कोशिश में लगा हुआ था। पर ये बात जानते हुए भी और लाख समझने के बाद भी जया के सास ससुर के समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि उनकी नजरों पे तो विकास के झूठे दिखाई और विश्वास की पट्टी जो बंदी जो थी यहाँ तक कि सास ससुर आपने सगे बेटे बहू से ज्यादा विश्वास और समझदार अपने दामाद को ही मानते थे। एक तरह से इस घर का विकास घर जमाई ही था इसलिए विकास के खिलाफ कुछ बोलना आसान नहीं था। पर धीरे धीरे विकास की हिम्मत बढ़ने लगती है। कई बार जया को गलत इशारे करने लगा था यहाँ तक कि किशन आते जाते वक्त वहाँ काम करती जया के साड़ी का पल्लू खींच अपना मुंह पोंछने लगता है जिसके लिए जया ने कई बार उसको सुधार
जाने का वार्निंग भी दे चुकी थी। फिर जया ने ये सारी बातें जब अपने पति राघव से बताती हैं तो वो बस विकास से दूरी बनाने और अपने काम से काम तक मतलब रखने की सलाह बस दे देता है। पर जया के मन में बहुत गुस्सा था। वो इस तरह अपने मान को तार तार होते नहीं देख सकती थी और ना ही उस विकास के सामने बेबस बेसारी के रूप में रहना सहती थी, बल्कि वो सहती थी कि विकास को पता चले कि उसकी हरकत का मुंह तोड़ जवाब वो दे सकती है, ना कि डर के अपने ही घर में उससे मुंह सिपाती फिरे। फिर जया सोचती हैं कि एक बार माजी से भी कह के देखती हूँ, शायद वो मेरा साथ दे और विकास को सबक सिखाए। यही सोच जया उनसे बात करने जाती है। माजी आपसे कुछ कहना था क्या है बोल। माजी मुझे नंदुई जी की कुछ हरकतें ठीक नहीं लगती, हमेशा मुझे गलत नजर से देखते हैं। अब तो अति कर दी है उन्होंने, सबके सामने ही मेरा हाथ पकड़ के गलत तरीके से दबा रहे थे। और इससे पहले जया अपनी पूरी बात कहती, उससे पहले ही उसकी सास ने उसको चुप करते हुए बोला कि चुप कर बहू, बिना मतलब दामाद जी पे आरोप मत लगा। अरे तुम दोनों का रिश्ता ही मजाक वाला है, थोड़ा बहुत उन्होंने तुम्हारे साथ मजाक क्या कर लिया, तू तो उनके पे आरोप ही लगाने लगी। इतने भी खुद को हुरपरी मत समझ, दामाद जी मेरी बेटी से बहुत खुश रहते हैं, उनको क्या पड़ी है कहीं और इधर उधर देखने की। सल जाके अपना काम कर और सुन, ये सब फालतू बातें मेरे बेटे के कान में मत भरना। घर की शांति भंग करना या ना करना स्त्री के हाथ में होता है, तो सोच समझ के बोला कर। समझी माजी, आप एक औरत हैं और एक माँ भी। मुझे लगा आप मेरे मन की तकलीफ समझेगी, इसलिए आपसे कहने चली आई, पर मैं भूल गई थी जिसके बारे में मैं कहने आई थी। उस आदमी की पत्नी की माँ है आप, इसलिए वो ही इंसान आपको हमेशा सही लगेगा। पराई घर से आई तो मैं हूँ, पर कोई बात नहीं माँ जी, अब आगे से मैं अपनी सुरक्षा खुद करूँगी, बिना किसी के मदद के, बिना किसी उम्मीद के। कहते हुए जया आपने रूम में चली जाती है। पर जब रात का खाना खाने के बाद विकास थाली किचन में रख के जाते वक्त वहीं रोटी बनाते हुए जया के कमर को हाथ लगाते हुए जाने लगता है, तभी जया विकास हाथ पकड़ उसको वापस खींच दो जोर
दार तमाशा झड़ देती हैं सटाक सटाक, तभी सभी वहां आके खड़े हो जाते हैं। जैसे ही सासू माँ और ननद रिया कुछ बोलने जाते हैं, तभी जया बोल पड़ती है कि बस बहुत हुआ नंदोई जी, मेरी सुपी को शायद तुम मेरी कमजोरी समझ लिए हो। मेरा मान मेरी इज्जत आपके सास ससुर की प्रॉपर्टी नहीं है, जिस पे तुम हाथ साफ करने का सोच बैठे हो। दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, साथ ही पुलिस के डंडे खिलवाने से भी पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हें इस घर का मालिक जरूर बना दिया गया है, पर इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि तुम मेरे मालिक बन गए हो और इधर उधर क्या देख रहे हो। मुझे अपने इज्जत के लिए खड़े होकर जवाब देने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। जो तुम किसी से मुझे सुप कराने का सोच रहे हो, तभी ननद रिया और जया की सासू माँ कहती हैं कि अरे कुछ तो लियाज करो भाभी, आखिर हैं इस घर के दामाद हैं, क्या यही इज्जत होता है एक दामाद का। जया कहती हैं कि इज्जत सिर्फ दामाद की होती है, बहू का नहीं। और जो इन्होंने किया है ना, उसके बदले तो ऐसे इंसान को अपने घर से धक्के मार के मैं बाहर निकाल फेंकती, पर ये फैसला मैं आप सब पे छोड़ती हूँ और देखना चाहती हूँ कि आप सबको अपने दामाद का मान प्यारा है या बहू का सम्मान। पर एक बात याद रखना, विकास के साथ साथ आप सब की मैं बहू हूँ, संस्कारों से बंधी हूँ, पर मुझे कमजोर और अकेली समझने की भूल आगे से कभी मत करना। कहते हुए जया अपने कमरे में चली जाती है और इधर विकास नजरे झुकाए हुए सबके सामने से खड़ा रह जाता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।